सबसे पहले आपको ये करना है आज के मेडिटेशन के लिए कि सबसे पहले एक इंटेंशन फिक्स कीजिए। इंटेंशन से ही आप जा पाएंगे। फिक्स एन इंटेंशन, आपको क्या पता लगाना है? कोई रिश्ता ऐसा है जो परेशान कर रहा है, उसके बारे में पता लगाना है। कोई कोई भी ऐसी चीज जो आपको पता लगानी है। देखिए, आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। नेगेटिव मतलब जो आपको पेन दे रहा है, जो आपको परेशान है। परेशानी की चीज पे जब आप मेडिटेट करते हैं तो जल्दी सध जाता है, क्योंकि उसमें इंटेंसिटी तेज होती है। ठीक, तो कोई भी चीज, परेशानी की ना भी हो, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा हो आपकी आपकी लाइफ में, तो आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो आप अब उस इंटेंशन को धारिए सबसे पहले, और फिर मेडिटेशन में उतरने की शुरुआत कीजिए। ठीक है, परफेक्ट। तो चलिए, आप अपना जहां भी आपको लेटना है, बैठना है, यह गंभीर मेडिटेशन है, इसीलिए बहुत शांत और गंभीरता से इसको करना शुरू करेंगे हम। तो बिल्कुल आराम से जहां लेटना हो, बैठना हो, जिस भी जगह आपको कंफर्टेबल लगता है, आप वहां चले जाइए और हम इसमें चलिए। बिल्कुल गहरी सांस लीजिए। सांस बाहर छोड़िए, फिर एक गहरी सांस लीजिए और फिर से सांस बाहर छोड़िए। फिर से गहरी सांस लीजिए और सांस बाहर छोड़िए। फिर से गहरी सांस और सांस बाहर छोड़िए। फिर से एक गहरी सांस लीजिए और बाहर छोड़िए। एक आरामदायक पोस्चर बना लीजिए, बिल्कुल आराम से लीजिए। अपने शरीर को रिलैक्स कर दीजिए, पूरी तरह से अपने शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। अपने पैरों को, अपने सिर को स्थिति में लाइए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। इस सघन ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस करना चालू कीजिए अपनी हर सांस के साथ। अब आप धीरे धीरे और रिलैक्स हो रहे हैं। अब एक गहरी सांस लीजिए और इस खूबसूरत ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने शरीर में जाने दीजिए। सांस बाहर छोड़िए, एक और गहरी सांस लीजिए और इस ऊर्जा को अपने शरीर में जाने दीजिए। जैसे जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, शरीर का सारा तनाव और चिंताएं बाहर जा रही हैं। आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं। एक और गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे से बाहर छोड़िए। जैसे आप इस सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, सारी चिंताएं, सारा तनाव, सारी परेशानियां बाहर जा रही हैं। और जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, इस ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है।
एक और गहरी सांस लीजिए, इसको रोकिए अपने अंदर और शरीर के हर सेल को, हर टिश्यू को इस ऊर्जा से भर जाने दीजिए, पूरी तरह से भर जाने दीजिए। बहुत अच्छे, एक्सीलेंट। अब एक और गहरी सांस लीजिए और उसको धीरे धीरे छोड़िए। हर जाती सांस के साथ सारा तनाव, परेशानी, चिंताएं समाप्त हो रही है। एंड हम और गहरा विश्राम महसूस कर रहे हैं। और अब इस सघन विश्राम, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने पैरों में प्रवाहित होने दीजिए। महसूस कीजिए आपके पैर पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। और अब अपने पैरों से इस रिलैक्सेशन धीरे धीरे ऊपर अपनी मसल्स की ओर प्रवाहित होने दीजिए। योर काफ मसल्स पिंडलियों की तरफ प्रवाहित होने दीजिए। आप महसूस करेंगे जैसे जैसे ये ऊर्जा आपकी पिंडलियों में प्रवाहित हो रही है, बिल्कुल शिथिल और रिलैक्स्ड हो रही है। और अब इस ऊर्जा को अपनी जांघों में प्रवाहित होने दीजिए। जैसे जैसे यह आपकी जांघों के टिश्यूज और सेल से प्रभावित होती है, आपकी जांघें पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो गई हैं, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। और अब इस सघन सकारात्मक ऊर्जा को अपने पेट में प्रवाहित होने दीजिए। एक और गहरी सांस और महसूस कीजिए आपका पेट इस सकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह से प्रवाहित है। हर सांस के साथ आप और गहरे 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 विश्राम में जा रहे हैं, पूरी तरह से शांत, स्थिर, मुक्त, रिलैक्स्ड। जस्ट लेट इट गो, जाने दीजिए, लेट इट ऑल गो, सब कुछ जाने दीजिए। और सघन विश्राम महसूस कीजिए। इस सघन विश्रांति को, इस आनंद को महसूस कीजिए। ये खूबसूरत सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे आपकी पीठ की मसल्स में प्रवाहित हो रही है। आपकी पूरी पीठ को अब रिलैक्स करने दीजिए, पूरी तरह से शांत, स्थिर,
उसे ढीला छोड़ दीजिए, पूरी ढीली हो चुकी है। रिलैक्स रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स। और अब इस रिलैक्सेशन को, इस ऊर्जा को अपने कंधों में प्रवाहित होने दीजिए। देखिए आपके कंधे शिथिल पड़ रहे हैं, रिलैक्स्ड, पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से। और अब धीरे धीरे इस ऊर्जा को अपनी उंगलियों में प्रवाहित होने दीजिए, अपनी उंगलियों के फिंगर टिप्स पे इस ऊर्जा को महसूस कीजिए। और देखिए कैसे आपका हाथ पूरी तरह से रिलैक्स्ड है, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। डूब जाइए इस विश्रांति में, पूरी तरह से, पूरे निढाल, शांत, रिलैक्स्ड। और अब इस वंडरफुल रिलैक्सेशन को अपनी गर्दन में प्रवाहित होने दीजिए। देखिए आपकी गर्दन की मसल्स रिलैक्स हो रही है, पूरी तरह से देखिए कि आपके दांत आपस में चिपके हुए हैं। अगर हां तो मुंह थोड़ा सा खोल के उन दांतों को दूर कर दीजिए और अपने जॉ को रिलैक्स करने दीजिए। अपने जॉ को ड्रॉप कर दीजिए, रिलैक्स करने दीजिए। लेट इट ऑल गो, जाने दीजिए। और हर जाती सांस के साथ आप और गहरे विश्रांति में जा रहे हैं। और अब आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी आंखों की मसल्स रिलैक्स हो रही है, पूरी तरह से रिलैक्स। आंखों की मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है, कंप्लीटली रिलैक्स। और अब इस रिलैक्सेशन फीलिंग अपने मस्तक के ऊपर ले जाइए, अपने मस्तक पे लाइए। देखिए आपका फोरहेड, आपका मस्तक पूरी तरह से रिलैक्स्ड, सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। आपकी आईब्रोज रिलैक्स हो गई, पूरी तरह से रिलैक्स। ऑल द मोर रिलैक्स्ड, और गहरा सघन। अब इस सकारात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने सिर के ऊपर ब्रह्म रंध्र पे ले जाइए, उसे वहां प्रवाहित होने दीजिए। आपके ब्रह्म रंध्र पर यह सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, पूरी तरह से शांत। और अब हम जैसे ही तीन से एक गिनेंगे, आप और सघन शांति में चले जाएंगे।
तीन और गहरा रिलैक्सेशन, और गहरा रिलैक्सेशन, और गहरा रिलैक्सेशन, और गहरा रिलैक्सेशन, दो डीपर 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 ऑल द मोर डीपर। जैसे हम कहेंगे एक, आप बहुत गहरे रिलैक्सेशन में जाएंगे। एक बहुत गहरे रिलैक्सेशन, डीप डीप वेरी डीप। और अब हम फिर से पांच से एक गिनेंगे और हर गिनती के साथ आप और रिलैक्स हो पाएंगे, पूरी तरह से शांत। इस विश्रांति को पूरे शरीर में प्रवाहित होने दीजिए। शरीर का एक एक अंग, एक एक टिश्यू, एक एक सेल पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा। फाइव और रिलैक्स। फोर वेरी कंफर्टेबल एंड रिलैक्स। थ्री और रिलैक्स। दो पूरा शरीर रिलैक्स। और जैसे हम एक कहेंगे, आपके शरीर का हर नर्व, हर मसल, हर टिश्यू, हर सेल पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। वन कंप्लीटली रिलैक्स, लेट इट ऑल गो। अब केवल एक आवाज आप सुनेंगे, वो है हमारी आवाज। और हमारी आवाज आपको और गहरे ध्यान में ले जाएगी। और अब इस सघन ध्यान के मध्य, इस शांत स्थिति में हम अपने जीवन की उस घटना का कारण पता लगाएंगे जिस घटना का संकल्प हमने लिया है। कई पूर्व जन्मों में इन घटनाओं के कारण छुपे हैं। अनंत ब्रह्मांड इस घटनाओं का साक्षी रहा है। हम अपनी सघन ध्यान चेतना से उस पूर्व जन्म में जाएंगे जहां इस घटना का कारण छुपा है, मेरे इस प्रश्न का उत्तर छुपा है। तो वो प्रश्न, वो घटना, वो समस्या जिसको अभी संकल्प लेके आप ध्यान में उतरे हैं, अब जैसे ही हम पांच से एक गिनेंगे, आपके सामने आपको एक ब्रिज दिखाई देगा। ब्रिज आपके वर्तमान जीवन का, और जिसका दूसरा सिरा आपके उस जीवन तक जाएगा। केवल एक आवाज आपको सुनाई देगी, वो है हमारी आवाज। जैसे हम कहेंगे पांच, आप इस जन्म और उस जन्म के बीच के ब्रिज को अपने सामने महसूस कर पाएंगे। आपको दृश्य हो या ना दृश्य, आप उसे महसूस कर सकते हैं। पांच आपके बिल्कुल सामने वो ब्रिज आपको महसूस होता है, बिल्कुल रिलैक्स्ड। धीरे धीरे आप उस संकल्प के साथ उस ब्रिज पर चलना शुरू करते हैं।
चार और आगे और आगे। वो संकल्प, वो प्रश्न, वो कारण जिसकी खोज आपको इस जन्म के परे ले जा रही है, तीन और आगे। धीरे धीरे आप उस ब्रिज पे चलते जा रहे हैं, पूरी तरह से शांत, रिलैक्स्ड। दो और करीब। अब आपको उस जन्म की वाइब्रेशंस महसूस होने लगी है, और जैसे ही हम कहें एक, आप अपने किसी पूर्व जन्म में उस स्थिति में उस समय पहुंचेंगे जिसका संबंध आपके संकल्प या इस प्रश्न से है। एक, बिल्कुल सामने वही आप उस जगह पहुंच चुके हैं। अपना अस्तित्व को महसूस कीजिए, अपनी ऊर्जा को महसूस कीजिए, एक अलग जीवन में जिसमें आप पहुंच चुके हैं। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, अपने इंट्यूशंस पर पूरा विश्वास कीजिए, पूरा विश्वास। जरा अपने पैरों की तरफ देखिए, आपने क्या पहन रखा है। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। पहला विचार बिल्कुल सही है, पहला विचार बिल्कुल सही है, जो पहला विचार है वो सही है। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। देखिए आपने पैरों में क्या पहन रखा है, सजग हो जाइए। क्या रंग है जो आपने पहना है उसका, ध्यान दीजिए, महसूस कीजिए। यदि आपको कुछ ना दिखे तो भी आप उस ऊर्जाओं को महसूस कर सकते। अब अपने कपड़ों की ओर ध्यान दीजिए, किस प्रकार के कपड़े आपने पहने, उसका टेक्सचर महसूस कीजिए। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, You know exactly what. अब उस कपड़े का रंग देखिए, गौर कीजिए अपने बालों पर, बाल छोटे हैं या बड़े हैं। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। पहला विचार बिल्कुल सही है, बस उस विचार को पकड़िए और उतरते जाइए उस जन्म की सघन यादों में। अब जरा खुद को महसूस कीजिए, आपका जेंडर क्या है, क्या मेल है, फीमेल है या कोई और जेंडर है, क्या है आपका जेंडर। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, यू नो एग्जैक्टली व्हाट। एक्सीलेंट। और अब अपने आसपास महसूस कीजिए, देखिए अपने आसपास क्या दिखाई देता है या क्या महसूस होता है। यदि आपको ना भी दिखे, आप अपनी ऊर्जा में उसे महसूस कर सकते हैं। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, यू नो एग्जैक्टली व्हाट।
आपको एग्जैक्टली सही पता है। आपकी चेतना अनंत ज्ञानी है, उसे सब पता है। देखिए आपके आसपास और ध्यान पुनः खुद पर लाइए। क्या नाम है आपका? ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। क्या नाम है? एक्सेलेंट। जो पहला विचार है वो सही है। क्या उम्र है आपकी? क्या उम्र है आपकी? बहुत अच्छा। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। और अब जरा अपने अंदर अपने मन में उतर के देखिए आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ये जो लड़का है, लड़की है, पुरुष है, स्त्री है, या कोई भी जेंडर है, कैसा महसूस कर रहा है? कैसा महसूस कर रहे हैं? कौन सा भाव है? उस भाव को महसूस कीजिए। कैसे, कैसा फील कर रहे हैं? और अब सजग हो जाइए अपने आसपास। क्या हो रहा है? क्या कुछ लोग हैं आसपास? ये आसपास क्या है? क्या हो रहा है? बस अपनी ऊर्जा में महसूस कीजिए, साक्षी बने रहिए। क्या हो रहा है आसपास? महसूस कीजिए, देखिए, ऊर्जा में महसूस कीजिए। और अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप अपने उस जीवन काल के एक ऐसे घटनाक्रम के सामने पहुंचेंगे जो आपके संकल्प से संबंधित है। आपके प्रश्न का उत्तर छुपा है उस घटना में। जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप अपने उस जीवन के एक ऐसी घटना पे पहुंचेंगे जिस घटना में आपके इस प्रश्न का उत्तर छुपा है। 3 और गहरे उसी जीवन में चलते हुए, 2 और गहरे, और हम जैसे कहेंगे 1, अचानक आप अपने आप को ऊर्जा रूप में उस स्थिति में पाएंगे जिस घटना या स्थिति में आपके प्रश्न का उत्तर छुपा है। 1 एग्जैक्टली उसी स्थिति में, 2 महसूस कीजिए आसपास क्या हो रहा है, कौन लोग हैं, कहां हैं आप। बिल्कुल उस पल को जिए जैसे ये अभी हो रहा है। और गहरा उतरिए, साक्षी बने रहिए। क्या हो रहा है वहां?
उस घटना का आपके इस प्रश्न से क्या संबंध है महसूस कीजिए। और गहरा उतरी है। और अब जैसे ही हम तीन से एक गिनेंगे, आप अपने उस जीवन काल के अंतिम पल पर पहुंचेंगे, the last moment of that lifetime। जैसे ही हम तीन से एक गिनेंगे, आप अपने उस जीवन काल के अंतिम पल पर पहुंचेंगे और महसूस करेंगे उस पल में क्या हुआ, क्या हो रहा है, कैसे आपका वो जीवन समाप्त हुआ था। तीन, समय की यात्रा में और गहरे उस जीवन काल का अंतिम पल की तरफ। दो, और गहरे। अब हम जैसे ही कहेंगे एक, आप अपने आप को उस जीवन काल के अंतिम पल पे पाएंगे जब आपकी उस जीवन काल में मृत्यु हुई थी। क्या स्थिति थी? जैसे ही हम कहेंगे एक, आप एग्जैक्टली उस पल पे पहुंचेंगे। एक, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, बिल्कुल वही। पहला विचार बिल्कुल सही है। देखिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हुआ है, महसूस कीजिए। क्या है वो अंतिम पल? ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, पहला विचार बिल्कुल सही है। क्या हुआ था, कैसे ये अंतिम पल आया? क्या आसपास कुछ और लोग भी हैं? और अब जैसे हम तीन से एक गिनेंगे, आप एग्जैक्टली उस पल पे पहुंचेंगे जब जीवात्मा ने शरीर को त्याग दिया था। और उस पल अंतिम विचार, डाइंग थॉट, आप समझ पाएंगे। तीन, और गहरा। बिल्कुल वो पल जब जीवात्मा ने उस पूर्व जन्म के शरीर को त्याग दिया था। दो, और गहरा। और अब हम जैसे ही कहेंगे एक, आप एग्जैक्टली उस पल पे होंगे जब जीवात्मा ने उस पूर्व देह का त्याग किया था। एक, बिल्कुल उसी पल पर। अब महसूस कीजिए इस पल का डाइंग थॉट क्या है, अंतिम विचार क्या था उस जन्म का। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, आपको एग्जैक्टली पता है अंतिम विचार क्या था उस जन्म का। दोहराइए उस विचार को मन में पुनः। और अब जैसे ही हम पांच से एक गिनेंगे, आप उस अंतिम विचार के साथ उस जन्म, उस जीवन को छोड़कर, उस शरीर को छोड़कर इस ब्रह्मांड की ओर ऊपर उठेंगे और अपने स्पिरिट गाइड से मिलेंगे, सोल मास्टर से मिलेंगे। फाइव, उस जन्म, उस शरीर, उन घटनाओं से दूर ऊपर उठते हुए। फोर, आप खुद को ऊपर से देख पा रहे हैं, उस जन्म के आप।
थ्री और ऊपर, आप ऊपर से स्वयं को देख पा रहे हैं, टू और ऊपर, और अब हम जैसे कहेंगे एक, आप अपने स्पिरिट गाइड की ऊर्जाएं महसूस कर पाएंगे, उनके समक्ष होंगे, एक बिल्कुल उनके समक्ष आप अपने स्पिरिट गाइड को महसूस कर पा रहे हैं, योर सोल मास्टर। अभिवादन कीजिए उन सोल मास्टर का, महसूस कीजिए वो कौन है, ना दिख पाए तो भी उस ऊर्जा पुंज को महसूस कीजिए, कौन है वो सोल मास्टर, सोल गाइड, उनका अभिवादन कीजिए और कहिए, हे मेरे सोल मास्टर, मैं अपने जीवन को समाप्त करके आपके मार्गदर्शन में आता हूं, मुझे बताइए उस जीवन का क्या सबक रहा, अपने जीवन का अंतिम विचार सोल मास्टर को बताइए, और अब सोल मास्टर से मार्गदर्शन के लिए कहिए कि उस जीवन से मैंने क्या सीखा और वो सीख मेरे अगले जीवन से कैसे जुड़ी हुई है, मुझे समझाइए, और बिल्कुल शांत होके उन्हें महसूस कीजिए, यू एग्जैक्टली फील नो वो क्या कह रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा में महसूस कर पाएंगे। पूर्व जीवन के क्या सबक थे और वो इस जीवन से कैसे जुड़े हुए हैं, महसूस कीजिए। और अब सोल मास्टर से इस जीवन की के लिए मार्गदर्शन मांगिए, कोई ऐसे सूत्र वाक्य मार्गदर्शन इस जीवन के लिए जो वर्तमान का जीवन है, और बिल्कुल शांत होके सुनिए, हे सोल मास्टर, मुझे अपने वर्तमान जीवन के लिए मार्गदर्शन दे, महसूस कीजिए उस उत्तर को। और अब जैसे ही हम एक से पांच गिनेंगे, आप सोल मास्टर को धन्यवाद देकर वापस अपने वर्तमान जीवन की यात्रा पे आने लगेंगे। एक, सोल मास्टर को धन्यवाद दीजिए और उस सबक को फिर से मनी मन दोहराइए जो आपने पिछले जन्म से सीखा और इस जन्म का मार्गदर्शन लिया। दो, सोल मास्टर से दूर उस सबक को दोहराते हुए बिल्कुल शांत, स्थिर, प्रसन्न, बिल्कुल शांत, सोल मास्टर की ऊर्जाओं से भरे हुए, तीन, वेरी मच रिलैक्स्ड, नई ऊर्जा के साथ, मार्गदर्शन के साथ, उनके गाइडेंस के साथ, चार, फिर से भूतल पर, भूलोक पर,
और हम जैसे ही कहेंगे पांच, आप पुनः अपने शरीर में वर्तमान स्थिति में अपनी चेतना को पुनः स्थापित करेंगे, पूरी तरह से रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल। पांच, वापस अपने शरीर में। परफेक्ट। अब आप जब भी तैयार हो धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए।